sir. How are you all? I am fine. I am also fine. That's nice. Thank you. You're welcome. So हम कल बात कर रहे थे एक चैप्टर की, लेकिन आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर है कांट हेल्प। देखिए कांट हेल्प का मतलब क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं अपनी लाइफ में या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको किए बिना हम रह नहीं सकते। जैसे हम कई बार कोई चीज़ के शौकीन होते हैं, खेलने के शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, ड्राइविंग के शौकीन होते हैं, तो वो काम किए बिना हम रह नहीं सकते। तो अगर हमें बोलना हो कि कोई काम किए बिना हम रह नहीं सकते, तो उसके लिए सेंटेंस क्या होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम शौकीन होते हैं और वो हम करना ही चाहते हैं हमेशा, और किए बिना रह भी नहीं सकते, तो उनके लिए सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे उसके हम आज बात करने वाले हैं। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा कांट हेल्प। कोई भी काम आप किए बिना नहीं रह सकते, तो उसके लिए सेंटेंस होगा कांट हेल्प से बनेगा। जैसे अगर सेंटेंस हो कि मैं खेले बिना नहीं रह सकता, आप खेलने के बहुत अच्छे शौकीन हैं और खेल प्रेमी हैं, गेम लवर हैं, तो आपका सेंटेंस क्या होगा कि मैं खेले बिना नहीं रह सकता, तो सेंटेंस होगा क्या आपका, आई कांट हेल्प प्लेइंग। ये ध्यान रखिएगा आप, कांट हेल्प के बाद में जो वर्ब आएगी उसके साथ में आपको आई एन जी एड करना है, आई कांट हेल्प प्लेइंग, खेले बिना नहीं रह सकता। अगर आपको कहा जाए कि मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता, क्या आप स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकते? अब क्वेश्चन बनाने पूछना किसी को, क्या आप स्मोकिंग के बिना नहीं रह सकते? Can't you help smoking? Can't you help smoking cigarettes? क्या आप सिगरेट्स पिए बिना नहीं रह सकते? Can't you help smoking cigarettes? Can't you help smoking cigarettes? तो क्या आप स्मोकिंग के बिना नहीं रह सकते? क्या आप उससे बात के बिना नहीं रह सकते? Can't you help talking to him or her? लड़का है तो him हो जाएगा, लड़की है तो her हो जाएगा। Can't you help talking to him or her? मैं तुमसे बात के बिना नहीं रह सकता। I can't help talking to you. मैं तुमसे बात के बिना नहीं रह सकता। मैं इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकता। I can't help speaking English. क्या तुम अल्कोहल पिए बिना नहीं रह सकते? Can't you help drinking alcohol? अल्कोहल, क्या आप अल्कोहल पिए बिना नहीं रह सकते? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके हम शौकीन होते हैं और वो काम किए बिना हम नहीं रह सकते। जैसे आपसे पूछा, क्या आप बिना रोए रह नहीं सकते? Can't you help weeping? और उसका आंसर देना हो तो क्या देंगे? हाँ मैं नहीं रह सकता वे बिना, तो I can't help weeping या crying. I can't help weeping or crying. तो मैं रोए बिना नहीं रह सकता। मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता। I can't help studying. I can't help studying. मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े बिना नहीं रह सकता। I can't help fighting against corruption. I can't help fighting against corruption. तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए बिना, तो आवाज उठाना क्या होता है इंग्लिश में? Raise. तो आप बोल सकते हैं आई कांट हेल्प रेजिंग माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन। बोलो आई कांट हेल्प रेजिंग माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन। आई कांट हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन।
तो आप जैसे आपने कहा जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प के बिना नहीं रह सकता मैं। I can't help. वर्ड बताया था मैंने आपको सहायता करना। I can't help assisting needy people. I can't help assisting needy. आप ऐसे बोल सकते हैं I can't help helping needy, कोई दिक्कत नहीं है। I can't help helping needy या I can't help assisting needy। तो ये तो था present tense कि आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते। अब कोई सेंटेंस होता है जो पास्ट में भी होता है, जैसे मैं काम किए बिना नहीं रह सका, उसके लिए क्या सेंटेंस होगा? देखो चलो बताओ, देखिए सेंटेंस है कि मैं चाय पिए बिना नहीं रह सका। देखो ये जो कांट है इसको क्या बना देंगे अपन, कुडंट हेल्प, ठीक है। जैसे मैं चाय पिए बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प टेकिंग टी, ठीक है। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। मैं उससे लड़े बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प फाइटिंग विद हिम, आई भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़े बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। अब एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम है जिस पे आपका बस नहीं चलता, आप अपने आप को नहीं रोक पाते, या तो आप मजबूर हैं, या आप शौकीन हैं, या तो आप इच्छा से कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, मतलब आपको करना पड़ रहा है, आप नहीं रोक सकते खुद को, तो वहां पर सेंटेंसेस हम यूज में लेते हैं। प्रेजेंट का है तो कांट हेल्प रहता है, और पास्ट का है तो कुडंट हेल्प रहता है। जैसे आपसे पूछा गया कि मैं अल्कोहल पिए बिना नहीं रोक सका खुद को, आई कुडंट हेल्प ड्रिंकिंग अल्कोहल, आई कुडंट हेल्प ड्रिंकिंग अल्कोहल। मैं स्मोकिंग के बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प स्मोकिंग, आई तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता या किसी का बस नहीं चलता, वो मतलब किए बिना नहीं रह सकते। जैसे हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते, नहाए बिना नहीं रह सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी तो हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो नहीं रह सकते तो वहां पे सेंटेंस बनता है कांट से, और नहीं रह सके तो वहां सेंटेंस बनता है कुडंट से, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो with another video. Thank you.